हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल फॉर इंडिया पे। सो फ्रेंड, आज मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। और फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि फ्रेंड इससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड देखिए, अब मैं आपसे आज जो पहला टर्म है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जो जो है फ्रेंड रैप्चर स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए फ्रेंड, रैप्चर स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द लोड एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर। मतलब फ्रेंड, कोई भी लोड होता है जो फ्रैक्चर के समय किसी मटेरियल पर लगता है, एंड द बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब फ्रेंड, जो कोई भी लोड है जो फ्रेंड किसी मटेरियल पे तब लग रहा है जब फ्रेंड वो मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है, और फ्रेंड जो उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर उन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो फ्रेंड हमको रैप्चर स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और फ्रेंड तब क्या कहते हैं, वो जो मटेरियल है फ्रेंड वो ब्रेक हो रहा है या फिर फ्रेंड उसके अंदर फ्रैक्चर हो रहा है, और फ्रेंड जो उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इन दोनों को ही डिवाइड कर दिया जाए तो रैप्चर स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो फ्रेंड ये बात हो गई रैप्चर स्ट्रेंथ के बारे में। इसके बाद देखिए फ्रेंड, एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है इलोंगेशन का। तो देखिए फ्रेंड, जो इलोंगेशन है इसको हम परसेंटेज इलोंगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं, और फ्रेंड ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए फ्रेंड, इसे एक फॉर्मूले के बिहाव पर डिस्क्राइब किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस ऑरिजिनल लेंथ अपॉन में ऑरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो फ्रेंड यहाँ से परसेंटेज इलोंगेशन निकल जाता है, अगर हम फाइनल लेंथ में से ऑरिजिनल लेंथ को घटा दें और ऑरिजिनल लेंथ से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करा दें। सो फ्रेंड, ये परसेंटेज इलोंगेशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रूफ स्ट्रेस का, कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, ऐसे बहुत से डक्टाइल मटेरियल होते हैं जिनकी स्ट्रेस की वैल्यू फ्रेंड नहीं निकल पाती स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। मतलब फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं जिनकी मतलब वैल्यू नहीं निकल पाती। देखिए फ्रेंड, कौन कौन से डक्टाइल मटेरियल है, जैसे एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, और भी बहुत सारे फ्रेंड मटेरियल होते हैं जिनकी स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से नहीं निकल पाती। तो देखिए फ्रेंड, ये फ्रेंड देखिए, कोई ये एक आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो स्लोप है फ्रेंड ये शो कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, जो डक्टाइल मटेरियल होता है ना, उसमें देखिए फ्रेंड, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे फ्रेंड जो ये पिंक लाइन है ये शो कर रही है जो इसका कर्व है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपको वो क्या कहते हैं, स्लोप नहीं दिख रहा होगा, और फ्रेंड यहाँ से हम स्ट्रेस की वैल्यू इसलिए यहाँ से नहीं निकाल सकते। सो फ्रेंड, अगर कोई डक्टाइल मटेरियल होता है फ्रेंड, उसकी जो वैल्यू निकालने के लिए फ्रेंड हम कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए, पहला जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो फ्रेंड ये पिंक लाइन है, इसके क्या कहते हैं, पैरेलल एक हम डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ पर ये इस कर्व को काट रही है ना फ्रेंड, वो प्रूफ पॉइंट हो जाता है। और फ्रेंड उसके बाद इसके परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, एक लाइन ड्रॉ की जाती है फ्रेंड, उससे हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। फ्रेंड मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, जहाँ पर ये वाई एक्सिस को काटती है, तो जो वहाँ पर पॉइंट होता है फ्रेंड, उसी को हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से जो कोई भी डक्टाइल मटेरियल होता है, तो उसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकालने के लिए कुछ हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसी वहाँ से जो पॉइंट मिलता है हमें फ्रेंड, वही होता है उसका प्रूफ स्ट्रेस। तो एक बार और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कंस्ट्रक्शन क्या किया है मैंने। यहाँ से जो ये फ्रेंड ये पिंक लाइन है फ्रेंड, या फिर ये जो कर्व है, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे इस कर्व को काट रही है फ्रेंड, वो प्रूफ पॉइंट हो जाता है। और फ्रेंड इसके जो परपेंडिकुलर लाइन हम लाइन जो वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, तो फ्रेंड जहाँ पे वो मीट करती है, जो उसका वैल्यू होगी फ्रेंड, उसी को हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। और फ्रेंड क्या कहते हैं, यहाँ पे एक परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन की जो फ्रेंड एक टर्म आता है फ्रेंड, उसको हमेशा हम 0.2% रखते हैं फ्रेंड, आपको ये याद रखनी है चीज़। तो फ्रेंड ऐसे हम प्रूफ स्ट्रेस को निकालते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए। फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड आपको इसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अगला जो स्टेप आता है वो है फ्रेंड अल्टीमेट स्ट्रेस का। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, जो सिमिलर जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसी को हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए, द मैक्सिमम लोड टू विच अ बार इज सब्जेक्टेड टू इन अ टेस्ट डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब फ्रेंड, जो मैक्सिमम लोड किसी बार पर लगाया जा सकता है और उसको अगर हम उसके ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, मैंने आपको अल्टीमेट स्ट्रेस बता दिया फ्रेंड, उसी से एक
आगे का टर्म है जो होता है वर्किंग स्ट्रेस फ्रेंड, वही अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है फ्रेंड, जो मैंने आपको अल्टीमेट स्ट्रेस बताया वहाँ पे मैक्सिमम लोड लगता है, तो जो फ्रेंड वहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस आता है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है उसी को हम वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। और इसका फ्रेंड आप देख लीजिए डेफिनेशन क्या होती है, द मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट कैलकुलेटेड स्ट्रेस टू विच अ पार्ट ऑफ मशीन और स्ट्रक्चर इज एवर सब्जेक्टेड इट इज़ कॉल्ड द वर्किंग स्ट्रेस। मतलब फ्रेंड अगर कोई मशीन या फिर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो फ्रेंड सबसे ज़्यादा उस पर जो स्ट्रेस लग रहा है फ्रेंड उसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। और फ्रेंड जो अल्टीमेट स्ट्रेस है और वर्किंग स्ट्रेस है इन दोनों को मिला के एक टर्म बनता है जिसे फ्रेंड हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, और फ्रेंड इसे शॉर्ट फॉर्म में FOS कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये रेशियो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का। फ्रेंड ये अल्टीमेट स्ट्रेस और जो वर्किंग स्ट्रेस होती है उन दोनों का ये रेशियो होता है। तो देखिए द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसी को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फ्रेंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस। फ्रेंड इसको हम फैक्टर ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड आप नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, ये इसका फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। फ्रेंड मैं कुछ और चीज़ें बता दूं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। फ्रेंड जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा बड़ी होती है, 1 से कम नहीं होती। और फ्रेंड फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड जो अगला टर्म आता है स्ट्रेन एनर्जी का। फ्रेंड इसमें भी स्टूडेंट्स हमेशा काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, तो देखिए फ्रेंड मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। जब किसी मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है फ्रेंड, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक स्टेज होती है जहाँ पर मटेरियल ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। फ्रेंड ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्रेंड जब कोई भी मटेरियल होता है जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के स्टेज में जाता है तो उसमें जो हम उस पर जो अमाउंट ऑफ वर्क लगाते हैं तो फ्रेंड उसका जो कुछ न कुछ पार्ट होता है वो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में उसमें सेव हो जाता है। फ्रेंड स्ट्रेन एनर्जी आपको समझना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैंने फ्रेंड बहुत अच्छे से स्ट्रेन एनर्जी को समझा रखा है। तो देखिए फ्रेंड होता है और उनकी हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देता है। मतलब फ्रेंड कोई मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के स्टेज में कुछ अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है वो स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है और उनकी हार्डनेस को इंक्रीज़ कर देता है। फ्रेंड इसी पूरे प्रोसेस को हम स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। फ्रेंड देखिए डेफिनेशन से आप, द स्ट्रेन हार्डनिंग मे बी डिफाइंड एज इंक्रीज हार्डनेस एकॉम्पेनिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो फ्रेंड देखिए स्ट्रेन हार्डनिंग मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि क्या कहते हैं, ऐसा कोई मटेरियल है जब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के स्टेज में होता है और जो फ्रेंड उस पर अमाउंट ऑफ वर्क है उसका कुछ परसेंट स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है और फ्रेंड क्या कहते हैं उनकी हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है। फ्रेंड इसी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। और देखिए फ्रेंड कुछ और इसके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए, इट इज़ इंक्रीज इन बोथ टेंसाइल एंड यील्ड स्ट्रेंथ। फ्रेंड ये दोनों टेंसाइल और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ा देता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्किंग हार्डनेस। और फ्रेंड इसी को हम वर्किंग हार्डनेस भी कहते हैं। सो फ्रेंड आप नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि एग्जाम में आपको या तो वर्किंग हार्डनेस पूछ लेगा या तो स्ट्रेन हार्डनेस पूछ लेगा, सो दोनों की वैल्यू एक ही होती है। तो देखिए फ्रेंड आज मैंने आपको सारे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए और फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड आपको अगर मेरा वीडियो बेनिफिशियल लगे तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।